बहुत बहुत नमस्कार, हर हर महादेव। बहुत बहुत नमस्ते आपको जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ी देर से आवाज आ रही है मेरी, ऐसे कुछ है? नहीं अच्छा, आ रही है अच्छी। तो अच्छा, चैतन्य जी, आप कल जुड़ नहीं पाए, कोई बात नहीं, मैंने कर लिया था ऐसे ही, थोड़ा सा अपने दर्शकों के साथ में मैंने थोड़ी सी वार्तालाप कर ली थी, लेकिन आज आप आए, मुझे बहुत बहुत आभार आपका कि आप जुड़े। मुझे बताइए कि पहले आपका नाम जफर अहमद था, जफर अहमद? चेक आपको आवाज नहीं आ जफर, रही? शेख जफर कुरैशी। शेख जफर कुरैशी था? अच्छा, शेख जफर कुरैशी जी। तो आप अभी तो आप सनातन में आ गए हैं, इसके पहले जब आप छोटे थे, जब आप अपने माँ बाप के साथ रहते थे, तो तब का बताइए कि आप कैसे एक मुसलमान की तरह से ही बड़े हुए होंगे, और आप कुरान पढ़ी होगी आपने, जो भी मतलब जैसे तालीम हासिल करती है वो सब आपने किया? नहीं, तालीम वगैरह कोई हासिल नहीं की है, और जी परिवार वालों ने कोशिश की थी पढ़ाने की। वो चाहते थे कि मैं कुरान भी पढ़ूं जी और नमाज भी पढ़ूं, लेकिन जी मेरी दिलचस्पी नहीं थी उसमें और मैं पढ़ नहीं पाया। अच्छा, तो बचपन से आपको दिलचस्पी नहीं थी कुरान में या इस्लाम में? शायद आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है। मैं कह रही हूं कि आपको बचपन से कोई दिलचस्पी नहीं थी ना कुरान में और इस्लाम में, कोई दिलचस्पी नहीं थी? आई थिंक आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है। चैतन्य जी, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है ना आवाज? मेरी आवाज अच्छा, तो आपको आ मैं, रही है? हाँ मुझे आ रही है, तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रही हूँ कि आपको कोई इस्लाम में और नमाज में कोई दिलचस्पी बचपन से नहीं थी? जी, बचपन से जी कोई दिलचस्पी नहीं थी, और जी जो मेरे बचपन में मेरे मित्र थे वो भी सब हिंदू थे, जी और मैं उनके साथ मंदिर पे भी जाया करता था। जी मुझे वहां अच्छा मस्जिद पर जाना अच्छा नहीं लगता था। अच्छा बचपन से नहीं अच्छा लगता था? अच्छा, हाँ, कुछ तो नहीं हाँ, तो लगता था। आप मंदिर जाते थे तो क्या घर वालों को आपत्ति होती थी? नहीं, किसी भी तरह अच्छा से कोई आपत्ति नहीं होती थी। अच्छा मेरे जो फादर थे वो शास्त्रीय सेवक थे, और उन्होंने कभी भी हमको मुस्लिम बस्तियों के बीच में नहीं रखा, अच्छा और जो एक माहौल होता है मुस्लिम लोगों के बीच में रहने के बाद जो आपको माहौल मिलता है, वो हम लोगों को बचपन से नहीं मिला। और अच्छा हम जहाँ रहते थे वहाँ सभी हिंदू लोग रहते थे, एक दो अच्छा परिवार कोई दूर रहते थे मुस्लिम, बाकी जो हमारा जो घर था उसके दोनों तरफ जो ब्राह्मण रहते थे, अच्छा एक तरफ शर्मा जी, रामचंद्र जी शर्मा, और दूसरी तरफ रामचंद्र जी जोशी, दोनों अच्छा रामचंद्र थे, वहां अच्छा बीच में हमारा घर। अच्छा तो आप उनका घर में आना जाना आपका? जी मेरा जन्म भी वहीं पर हुआ, और अभी मैं यहाँ मंदसौर रहता हूँ, जिला मुख्यालय पर। करीब जी 23 साल हो गए हैं यहीं पर रहता हूं। जी अच्छा जी, तो आपने इतना लेट सनातन में आने का कैसे सोचा? मतलब आपने ऐसे कैसे सोचा कि अभी चलो मुझे अब इस्लाम में नहीं रहना है, मुझे अपना नाम बदल देना है, घर वापसी करनी है, तो ये आपके दिमाग में कैसे आया? जो फादर मदर के रहते हुए मैंने पहले ही सोच लिया था कि जब तक वो है तब तक मैं
उनके मुस्लिम बना रहूंगा, और जब वो नहीं रहेंगे इस दुनिया में, उसके बाद में फिर मैं अपनी एक नई दुनिया मुझे बनाना है। अच्छा 2 साल पहले मदर एक्सपायर हुई थी और जी पिछली 21 मई को फादर एक्सपायर हुए, जी और ठीक 1 साल बाद 21 मई को ही मैं स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी चिदम्बरानंद सरस्वती जी से मिलने रतलाम गया था। वो रतलाम आए हुए थे, उनका जी वहाँ कार्यक्रम था, तो मैं वहाँ उनसे मिलने गया था। अच्छा वहाँ मैंने अपनी भावनाओं से उनको अवगत कराया, और गुरुदेव ने पूछा कि कहीं किसी से कोई दबाव वगैरह तो नहीं है। मैंने उनको बताया मेरी स्वेच्छा से आना चाहता हूँ, और मैं मानता भी हूँ पूरी तरह से, और मैं साधना भी करता हूँ नवरात्रि में, और मैं पूजा पाठ भी, मैं नित्य कर्म है मेरा, हनुमान चालीसा डेली पाठ करता हूँ, बजरंग बाण का जी पाठ करता हूँ। तो जब सारी बात उनको बताई तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ 26 तक हमारा कार्यक्रम खत्म होगा, और उसके बाद में 27 को हम, पहले रतलाम में ही करने का था सब। फिर जी मैंने उनको बताया कि मंदसौर में जो स्थानीय लोग हैं, मैं उनको भी, मेरे जो परिचित हैं उन सबको मैं बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि एक जी ऐतिहासिक दिन है और मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन रहेगा, तो मैं चाहता हूँ जो मेरे स्थानीय लोग हैं मिले वो भी उसमें जी शामिल हो। फिर गुरुदेव ने कहा ठीक है, हम मंदसौर आ जाएंगे, और बोले सबसे अच्छी बड़ी अच्छी बात यह है कि पशुपतिनाथ के दरबार में ये सब कुछ होगा। मेरा जी सौभाग्य इतना अच्छा है इसमें कि एक तो स्वामी जी खुद आए, जी जब ये सारे संस्कार हुए उन्हीं के सानिध्य में हुए। जी दूसरी बात यह है कि हमारा जो पशुपतिनाथ मंदिर है, अष्टमुखी प्रतिमा है और काफी विशाल प्रतिमा है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, और यहाँ पर अभी एक नए मंदिर का निर्माण हुआ है, सहस्त्र शिवलिंग मंदिर का। तो अच्छा मध्य प्रदेश के सीएम भी आए थे वहां पर, जब अच्छा मंदिर बनकर तैयार हुआ तो वहाँ हवन यज्ञ वगैरह सब हुए, और उस मंदिर के लिए जो यज्ञशाला तैयार की गई थी, और जो हवन कुंड उस मंदिर की स्थापना के लिए जो तैयार किया गया था, वो सब हुआ उसके बाद में, जब ये कार्यक्रम होने वाला था मेरा वाला, तो जी उसी यज्ञशाला में और उसी हवन कुंड में मेरे सारे संस्कार हुए। बहुत अच्छा। तो आप अकेले ने लिया या आपके साथ भी और कई थे? अच्छा नहीं, मैं क्योंकि मेरी जो पत्नी है वो तो पहले से हिंदू है, और मैंने अकेले ने लिया था। अच्छा तो आपकी पत्नी हिंदू ही है। जी पहले से हिंदू, ये सब पहले से मैंने सोच रखा था मुझे क्या करना है मेरे भविष्य में, तो अच्छा। इसलिए मैंने उसी समय, मैंने जब घर वाले मेरे लिए लड़की देखने लगे थे, तो मैं जी उनके साथ में लड़की देखने जाया करता था, लेकिन फिर मैं कुछ ना कुछ मिस्टेक बता देता था उनको और अच्छा रिश्ता होने नहीं देता। फिर अच्छा बाद तो में जी जब मेरी पत्नी से मेरी मुलाकात हुई, और उसके बाद में धीरे धीरे फिर मुझे लगने लगा कि अब ये ठीक है, अपनों को इन्हीं को अब जीवन साथी चुनना है अपना, और फिर हमने शादी कर ली थी, घर वालों ने भी एक्सेप्ट कर लिया था। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब मेरी पत्नी के घर वालों को मेरे विचार पता चले, तो जी उन्होंने उन्होंने भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया था। दैट इज वेरी गुड। अच्छा बहुत अच्छी बात है। मतलब मूल लोगों का एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है, और बहुत ही अच्छा है कि आप आपस में ही दोनों राजी खुशी थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत अच्छी बात है।
तो आप, मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि आपका ऐसे कोई आपकी याददाश्त है, कोई मेमोरी है बचपन की, जो आपको लगता हो कि आपको सनातन की ओर खींचता था और आपको ऐसा लगता था कि मुझे सनातनी बनना है? ऐसी बहुत सी बातें हैं बचपन की। हमारे घर के पास में ही मृत्युंजय महादेव का मंदिर है, आज भी है, और काफी जी प्राचीन मंदिर है। जब जी मैं बहुत छोटा था तो शाम को जब वहाँ आरती होती थी तो मैं वहाँ जाया करता था, भाग के वहाँ चला जाता था महादेव के मंदिर पे। और महादेव से ही मेरा जुड़ाव बहुत ज्यादा रहा बचपन से जी जी और आज भी। और वैसे अगर जो हमारी कुंडली बनती है जन्म के जी मानसर, तो जी उसमें अगर देखा जाए तो मेरी कुंडली के स्वामी जो है वो मंगल है। तो अच्छा बालाजी जो है देखा जाए तो मेरे स्वामी है। जी और मेरी जो कुंडली के लग्नेश है वो हाँ मेरी कुंडली के लग्नेश है शनि। अच्छा मेरे आराध्य देव जो है वो शनि जी है, आराध्य जो है वो शनि है। जी लेकिन महादेव, माता जी, गणपति जी, जो महादेव का जो परिवार, उनसे मेरा जो लगाव रहा वो बचपन से बहुत ज्यादा है। अच्छा जी। तो आप मतलब हमेशा मंदिर में जाया करते थे और आपका बहुत लगाव था, और आपने मुझे एक किस्सा भी बताया था जहां पर आपने कहा था कि किसी साधु के पास आप गए थे, वो किस्सा जरूर सुनाइए हमारे व्यूअर्स को। मैं उज्जैन सिंहस्थ में गया था तो जी वहां पर मैं जिनके साथ गया था वो भाजपा के लीडर हैं और मेरे मित्र हैं, तो जी वो मुझे अपने साथ में लेकर गए थे। और वहां उन्होंने मुझे बताया कि हमें रात में 1:30 बजे पपली बाबा की कुटिया पर चलना है मिलने। तो हम चार लोग वहां गए थे। वहां जब हम गए तो बाबा खटिया पे लेटे हुए थे, जी और क्योंकि वो चिताओं पर नाचते हैं तो वो अंगारों के उनके पैर के ऊपर घाव भी मैंने देखे थे। और ओह वो अच्छा लेटे हुए थे और बस उनकी नजर मुझ पर टिक गई, जी और बाकी जो लोग हमारे साथ में थे उनकी तरफ वो ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। अच्छा बस सबने चरण स्पर्श किए और सब बैठ गए, बाबा बस हाँ मुझे ही देख रहे थे। तो जी जो मेरे साथ में थे अंशुल जी, उन्होंने बताया कि बाबा को बोलने लगे, बोले बाबा ये अपने जफर भाई हैं और सनातन को मानते हैं, तो पूजा पाठ वगैरह करते हैं, ऐसे करके वो बोल रहे थे। उसी बीच में बाबा ने ऐसे हाथ करके उनको रोक दिया, रोक दिया। उनको उनको ऐसे हाथ करके उनको इशारा किया कि अब मत बोलो। फिर उनको बोले बोले कि तू जानता है इसको कौन है? तो मैं तो बस ऐसे हाथ जोड़ के बैठा रहा, मतलब अब मैं क्या बोल सकता था उस जगह। सही फिर बात है। बोले बोले उनको बाबा बोलने लगे, बोले तू जानता है बोले कौन है? तो उन्होंने भी हाथ जोड़ लिए, बोले नहीं बाबा। फिर बाबा बोलने लगे, बोले बेटा एक तेरे ही जैसा एक मुझे गुवाहाटी में मिला था वो, और उसके बाद में अब तू मिलता है। फिर उन्होंने जिनके साथ में गया था उनको बोला, बोले तेरे साथ रख तेरा उद्धार हो जाएगा, मेरे लिए बोला था उनको, बोले अच्छा तेरे साथ रख इसको तेरा उद्धार हो जाएगा। अच्छा और क्योंकि वो कपाली बोलते हैं उनको, तो अच्छा उनकी साधना इतनी ज्यादा होती है और वो ईश्वर के इतने करीब पहुंच जाते हैं कि जब हम जैसे साधारण लोग उनके सामने जाते हैं तो वो हमारे आगे पीछे का सब उनको पता चल जाता है। वो कपाली इसीलिए बोलते हैं।
उसके पूरी कपाल फाड़ लेते हैं अच्छा जी। तो उन्होंने फिर एक इशारा जो कहते कह सकते हैं जिसको, उन्होंने कहा था कि बेटा तेरे जो पिछले जन्म के जो कर्म है ये कुछ अधूरे रह गए थे, वो अब तू अच्छा इस जन्म में पूरा करेगा, इस जन्म में पूरे करेगा, ऐसा उन्होंने मुझे उस समय बता दिया था। अच्छा और जहां तक मुझे भी लगता है कि शायद मैं कोई विद्वान पंडित रहा होऊंगा या किसी मठ, मेरा कोई मठ वगैरह भी हो सकता है, या मतलब मुझे ऐसा, क्योंकि हाँ इतना ज्यादा मुस्लिम परिवार में पैदा होते हुए आपका सनातन की ओर, पूजा पाठ की ओर, आध्यात्म की ओर इतना ज्यादा झुकाव, तो कोई तो रीजन होगा उसका। सही बात है। मुझे ऐसा लगता है शायद जो आतताई थे उन लोगों ने मुझे मार दिया होगा, और उसके बाद में ये जो जन्म है मुझे लगता है ये मेरा दूसरा जन्म है, क्योंकि न्याय होता है और वो ईश्वर ही करता है। तो आतताई जो थे उन्होंने तो मुझे मार दिया, अब वो न्याय कैसे होना था कि मुझे पैदा ही मुस्लिम परिवार में किया गया जी इस जन्म में, और जी फिर मैं इस जन्म में मुस्लिम इस्लाम को छोड़कर मैंने वापस सनातन अंगीकार किया। जी जी तो आपको किस उम्र से ऐसे लगने लग गया कि मतलब आपका जो जो प्रभाव है जो बहुत ज्यादा सनातन की तरफ है, ये किस उम्र से आपको लगने लग गया कि अब मतलब मेरा दिल कहीं और है, हालांकि मैं हूं मुसलमान लेकिन मेरा दिल कहीं और खींच रहा है, ये किस उम्र से शुरू हुआ? जब मैं यहां मंदसौर आया था तो यहां पर आने के बाद में मैंने नवरात्रि में माता जी की स्थापना करना शुरू कर दी थी। अच्छा माता जी की 9 दिन तक अखंड जोत जलाकर हाँ घर पर स्थापना होती, जी और नवमी पूजने के बाद में कन्याओं का पूजन करके कन्याओं को भोजन वगैरह करवाना, जी ये सब जब मैंने शुरू किया तो फिर मुझे ऐसा लगने लगा था कि यार अब बचा क्या है अपने अंदर, जी तो अब आ जाना चाहिए। मैंने उस समय भी कोशिश की थी, फिर मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपनी इच्छा से शादी की है, उसको घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया है, अब मैं फिर से ऐसा करूंगा। फिर मैंने सोचा अपन मानते तो हैं ही, जी जब तक फादर मदर हैं तब तक रहना, तो जब वो नहीं रहेंगे तो आ जाए। अच्छा अभी तो 46 क्या मेरी एज है। अच्छा तो आपके जो भाई हैं या कोई है होगे बहन भाई, इन लोगों का क्या रिएक्शन था? मतलब आपके भाई बहन हैं तो उनका क्या रिएक्शन था? बड़े भैया पुलिस विभाग में है, मध्य प्रदेश पुलिस में, अच्छा ऐसा ही है, अच्छा और उनसे छोटी सिस्टर है, उनकी जी शादी हो चुकी है। एक और भाई है, वो हैदराबाद है, मोदी पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी में काम करते हैं, जी उनसे छोटी एक सिस्टर है, उसकी भी शादी हो चुकी है। मैं परिवार जी में सबसे छोटा हूँ। अच्छा उन लोगों का ऐसा कोई रिएक्शन रहा नहीं कि मुझे बुरा लगे, या उन्होंने मुझे कुछ गलत बोला भी नहीं, उनको पता है कि ये पूरी तरह से जब मानता ही है तो तो क्यों ना। हाँ अब इसको बोलना बेकार है, और हाँ उनको अच्छे से पता है कि मैं घर के अंदर मंदिर है मैं, अरे वाह और पूजा अच्छा पाठ करता हूँ मैं बराबर। जब जी 2016 में मंदसौर में मैंने घर बनाया अपना, तो जी यहाँ पर पूरा घर वास्तु से बनवाया और वास्तु से ही मंदिर का भी निर्माण हुआ घर में, जी अच्छा तो ये तो और बहुत बस अच्छी उसके बात बाद है में जी। नहीं ये तो चैतन्य जी उसके आप बाद में बहुत घर वास्तु भाग्यशाली हैं जी।
मैं कह रही हूँ आप बहुत भाग्यशाली है कि आपके भाई बहन ने भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई फैमिली की प्रॉब्लम नहीं हुई, ये भी बहुत बड़ी बात है। जी जी 2016 में जब घर में मंदिर बना, तो फिर उसके बाद तो मुझे ऐसा लगता था कि अब बिल्कुल रहा नहीं जाता था ऐसा। मैं खुलकर जीना चाहता था, हिंदू बनकर खुलकर जीना चाहने के लिए, जीने के लिए मैं तरस गया था एक तरह से। जो देखा जाए जी मैं चाहता था मेरे सिर पर तिलक हो, मैं रुद्राक्ष की माला पहनू, मेरे हाथ में जैसे ये अभी भी मैंने पहन रखा है, जी मेरी जी ऐसी इच्छा हो। ये बहुत कई सालों से अंदर दबी हुई इच्छा थी, जो अब जाकर मैं खुलकर जी पा रहा हूं, बहुत अच्छा लग जी रहा है। जी जी हाँ, ये तो है कि आप सही में, आपका तो फोटो वगैरह सब पूरे गूगल पे है, पूरे हर जगह आपका नाम हो गया कि आपने धर्म परिवर्तन किया और सनातन में आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपकी पत्नी जैसे पहले जैसे मतलब आप रहते थे साथ में, तो क्या वो पूजा पाठ कर सकती थी आपके घर पे? मेरी पत्नी पूजा जी नहीं, वहां तो ये भी शासकीय सेवक है, तो जी मेरी जो फैमिली है वो शादी के बाद में हम दोनों साथ में इन्हीं के घर पर, जो सरकारी क्वार्टर जो मिलता है अच्छा वहां पर हम लोग रहते थे, और मेरी जी फैमिली वहीं थोड़ी दूरी पर ही रहते थे वो लोग अलग। तो जी जी ये तो जो पूजा पाठ करती थी वो करती हूँ, बराबर करती थी, अच्छा, और उनको कोई रोक हमने नहीं? दूसरे को जी कभी कभी रोका भी नहीं, नहीं जी जी बहुत किसी अच्छी और ने भी नहीं रोका और मैंने भी नहीं रोका, और क्योंकि मैं तो जी रोक ही नहीं सकता था, लेकिन जी हाँ मेरी तो प्लानिंग मुझे पता थी मुझे आगे क्या करना है। तो जी जी घर वालों ने भी ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया, और जब घर में मंदिर बना तो उसके बाद में भी मेरे भाई बहन मेरे माता पिता सब आए हैं वहां पर, उन्होंने भी सब देखा है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। मेरा जो परिवार है बहुत अच्छा परिवार है, सीधे सच्चे सुलझे हुए लोग। जी। अब चैतन्य जी, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, जैसे कि आज आप देख रहे हो माहौल जैसा हो रहा है हमारे भारत का, तो इसमें एक दूसरे के लिए जो भावनाएं हैं, और आप देखो आप कितने लकी हो कि आपको इतना अच्छा परिवार मिला जिन्होंने आपको वो करने दिया, आपके घर में मंदिर भी हुआ, मतलब बहुत ही बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है हर मुसलमान को ऐसे सोचना चाहिए, ऐसा परिवार मिलना चाहिए जिनमें सहन शक्ति भी हो और दूसरे के लिए इज्जत भी हो, दूसरे के धर्म के लिए इज्जत हो। तो मुझे लगता है आपके माता पिता और आपके जो भाई है उनका बहुत बड़ा योगदान है आपके आपको वो करने देने के लिए जो आप चाहते थे। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपके जो रिलेटिव्स हैं वो लोगों का क्या रिएक्शन था? जो भाई बहन तो समझ गए, आपके जो दूसरे रिलेटिव्स हैं जो दूर दूर के, उन लोगों का और दूसरे मुसलमान जो आजू बाजू में, उनका क्या रिएक्शन है? जी मेरे आजू बाजू में शायद हमारी कॉलोनी में एक भी मुसलमान नहीं होगा। मैं अच्छा तो यहाँ मंदसौर में भी रहा हूँ, तो मैं क्योंकि पापा ने कभी हमको नहीं रखा मुस्लिम बस्ती में, तो फिर यहाँ मंदसौर आने के बाद भी हम वहाँ नहीं रह सकते। हम जी जो है यहाँ हिंदुओं की कॉलोनी में ही रहते हैं, और जी यहाँ मंदसौर के जो विधायक हैं जो मेरे पूरे संस्कार में साथ में रहे मेरे, और उन्हीं ने जी बहुत हिम्मत दी, वो मंदसौर के विधायक यहाँ हमारे पड़ोसी हैं, पास में रहते हैं हमारे, और अच्छी कॉलोनी है यहाँ पर, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रही बात मुसलमानों की, तो उनको तो बुरा लगना स्वाभाविक है, आखिर उनका इस्लाम छोड़ा है हाँ मैंने, तो हाँ वो तो एक स्वाभाविक है। और जैसे कहीं डिबेट भी होती है, मैं भी एक डिबेट में एक तो भोपाल के कोई इस्लामी जानकार थे, उनसे जी मेरी डिबेट हो रही थी, वो भी मुझे बहुत गंदा गंदा बोल रहे थे, और ओ एक तरफ मुझे गंदा बोल रहे थे, दूसरी तरफ बोल रहे थे कि इस्लाम बहुत खूबसूरत है, इस्लाम के अंदर बहुत खूबसूरती है। तो मैंने उनको जी ज्यादा कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ये इस्लाम की खूबसूरती आपकी भाषा से नजर आ रही है,
जी तो सोशल मीडिया पर भी बहुत गंदा गंदा लिखा है उन्होंने। तो वो मुझे बुरा इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि वो सब स्वाभाविक क्रिया है उनकी, स्वाभाविक है कि वो मुझे बुरा बोलेंगे, मेरे लिए गंदा लिखेंगे। जी जी अगर अगर मैं किसी को मुस्लिम बना देता तो वो मुझे हीरो तो बना बहुत खुश देगा। होते हैं जी। हाँ स्वाभाविक है, और पता नहीं क्या बना देते मुझे, और सही बोलते बात आपके लिए तो जन्नत जन्नत के दरवाजे खुल गए है ना, जी हाँ जी हाँ जी हाँ और आपको तो 72 हूरे मिलेगी, पता नहीं ये हूरे किसने देखी है वहां पर जाके। सही तो बात और ये अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब ये जी मैं पूरी तरह सनातनी हुआ उसके बाद में, क्योंकि मैं भी मीडिया से हूँ, तो यहाँ एक लोकल चैनल पर एक लड़की थी मुस्लिम, वो एंकरिंग करती थी उस पर, और उस चैनल पर मैं स्क्रिप्ट लिखता था और एडिटिंग करता था पूरे न्यूज की, इलेक्ट्रॉनिक चैनल था, अच्छा तो हाँ उसमें एडिटिंग में करता था और स्क्रिप्ट लिखता था। वहां वो लड़की मेरे साथ में काम करती थी, तो जी उसका मेरे पास फोन आया और मुझसे बोलने लगी, बोले भाई आपने ये क्या कर दिया। तो मैंने कहा क्यों, तू तो चैनल पर रही है मेरे साथ में, तुझे तो पता होना चाहिए कि ये तो सब होना ही था एक दिन। बोले अरे नहीं भाई, बोले ये ऐसा कैसे कर सकते हो, आप काफिरों के साथ कैसे जा सकते हो। तो मैंने कहा देख अब तेरी क्या सोच है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर तू मुझे काफिर बोल रही है तो मैं ऐसा काफिर हर जन्म में बनना चाहूंगा। और मैंने कहा तू अभी फोन रख, मैं कहीं बैठा हूँ बाद में बात करता हूँ। तो वो फोन रखने को तैयार नहीं, वो जोर जोर से दहाड़े मार मार के रोने लगी अच्छा रो रही और है। बोले भाई अच्छा आपको अल्लाह का वास्ता है, हाँ बोले आपको अल्लाह का वास्ता है, आपको वापस आ जाओ, आप मेरा मरा मुंह देखोगे, ये वो जो मुस्लिम महिलाएं जिस टाइप की बातें करती है ना, हाँ वो उसी टाइप की, हाँ वैसी ही बातें उसने मुझे बोली। और बोले कि जहन्नुम की आग से डरो। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मेरे अंदर ही इतनी आग है कि जहन्नुम की आग से क्या डरूंगा। तो फिर जी बोले नहीं, बोले भाई आपको आना पड़ेगा और आप मुझसे बात करो। तो मैंने कहा अभी फोन रख रहा हूँ, उसने आखिर फोन नहीं रखा, मैंने ही फोन को कट कर दिया। दूसरे दिन फिर फोन लगाने लगी, फिर मैंने पूरे दिन फोन नहीं उठाया, फिर जी तीसरे दिन फिर फोन आया उसका। फिर जी मुझे ऐसा लगा कि शायद इस लड़की के पीछे भी कोई है, तो हाँ अपनों को वो पता करना चाहिए कि हाँ आखिर एक लड़की इतनी कोशिश क्यों कर रही है कि मैं वापस आ जाऊं। क्यों कोशिश करेगी जी तो मैंने, वो मुझसे बार बार बोलने लगी, बोले भाई आपको मेरी कसम, बोले आप वापस आ जाओ, बोले आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप इतने प्यारे बाबू हो मेरे, और ये वो भावनात्मक रूप से मुझे ब्लैकमेल करने की, एक तोड़ने की कोशिश की गई। तो मैंने कहा देख ये सब हो नहीं सकता और मैं अब वापस नहीं आ पाऊंगा, मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ और मैंने कहा वापस आऊंगा, मैंने कहा लोग मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। बोले नहीं भाई पूरी कौम आपके साथ में खड़ी है, ऐसा वैसा। मैंने कहा अच्छा चल पता मुझे कौन ऐसा मजबूत व्यक्ति का नाम बता जिससे मुझे जो हिम्मत आया मेरे और मैं वापस इस्लाम में आ जाता हूँ। तो मुझे बोलने लगी, बोले मैं खड़ी हूं ना आपके साथ में। तो मैंने कहा कि देख तू, मैं तेरे ऊपर विश्वास नहीं कर सकता, तेरे भरोसे नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि तू कमजोर है और तू नहीं लड़ पाएगी और मुझे दिक्कत में डाल देगी। बोले नहीं भाई, बोले आप आ जाओ, अंजुमन सदर भी अपनी तरफ है, और बोले यहाँ जो मुस्लिम महासभा वगैरह जो लड़के चला हाँ रहे हैं, बोले ये सब आपकी तरफ है, और यहाँ के कुछ कट्टर लोगों के भी नाम लिए उसने, मैं अभी यहाँ सार्वजनिक नहीं कर पाऊंगा। जी तो उसने मुझे चार पांच नाम बताए,
ये लोग आपके साथ में। जी मुझे शक हो रहा था कि ये लड़की उनके संपर्क में भी है और इसकी वामपंथी विचारधारा है। और ये लड़की चेन्नई भी गई थी एक कार्यक्रम में, वहां हाँ इसने बहुत उग्र भाषण भी दिया सरकार के अच्छा खिलाफ। ओके हाँ तो ये जब ब्रेन वॉश लड़की है, इसका ब्रेन वॉश हो चुका है और ये अब दूसरों का भी वैसा ही करना चाहती है। इसने अच्छा बहुत कोशिश की कि मैं वापस आऊं, वापस हाँ लेकिन मैंने उसको स्पष्ट मना कर दिया कि मैं वापस नहीं आऊंगा और अब तू मुझे फोन भी मत लगाना। मैंने एक बात और बोली थी उसको, मैंने कहा अच्छा चल तू सच्चा मेरे को बिल्कुल मन से भाई मानती है? बोला हाँ भाई, बोला आपको तो पता है, बोले मैं तो मानती हूँ आपको एकदम। मैंने कहा अच्छा चल भाई की एक बात मान ले। बोले क्या? जो तो आप बोलोगे वो मान लूंगी। मैंने कहा चल तू भी आ जा, बहुत मजा आएगा और जो सच्चा है वो सनातन ही है, तुझे बहुत हाँ अच्छा लगेगा। और ऐसा थोड़ी होता है ये वो। मैंने कहा देख एक बार आके तो देख, जब तक दूर से किसी चीज को देखेगी तेरे को समझ में थोड़ी आएगा। तो जी आप यहाँ जो भी है हर बात के प्रमाण है। मैंने कहा तेरे इस्लाम के अंदर क्या किस बात का प्रमाण है पता मुझे? जो भी जी है तुम कहते हो बस सुना है, सुन सुनकर तुम सारे काम करते रहते हो, कोई एक तो ऐसा प्रमाण दो जो ये सही साबित बात कर सके कि हाँ ये भी एक धर्म है। जहां भी हम हजारों हजार साल पीछे भी चले जाएंगे तो भी हम अच्छे से देख रहे हैं कि जो भी अवशेष मिलते हैं, कहीं खुदाई होती है, कुछ भी होता है, तो वहां सनातन से रिलेटेड ही जुड़ी हमको जो हुई बहुत प्रमाण है सारी चीज वो ही मिलेंगे, है ना? जी सही बात है दूसरे क्यों नहीं मिलते? आखिर दूसरे भी तो बहुत सारे धर्म है, उनसे जुड़ी हुई चीजें क्यों नहीं मिल पाती? वो इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि ये अभी कुछ सालों पहले के हैं। इतिहास में 500-600 साल कोई मायने नहीं रखते। जी जहाँ जो इतिहास सनातन का है वो हजारों हजार साल पुराना है। बहुत पुराना है जी और ये जो है अभी कुछ इतने साल पहले के, कि वो इतिहास में ये चीजें मायने नहीं रखती। तो समझने वाले का है, मेरा तो यही कहना है कि जो अगर आप जब तक सनातन को समझ नहीं पाओ, जी उसके मंत्रों के अंदर कितनी गहराई है, जब तक आप उसको नहीं जी समझ पाएंगे, उन मंत्रों के अंदर कितनी शक्ति है। जी ये एक मुस्लिम परिवार में जो पैदा हुआ था, जो आज हिंदू है पूरी तरह, वो व्यक्ति ये बात बोल रहा है और मैं खुद गवाह हूं इस बात। वो शक्ति मैंने देखी जब साधनाएं करते हैं ना हम, तो उसके बाद में जो परिणाम हमें मिलता है जी उसको मैंने खुद ने अनुभव किया है। तो जी सही बात जब है तक हम किसी को अपनाएंगे नहीं पूरी तरह से, हम किसी के लिए गलत थिंकिंग रखेंगे, तो हम उसकी सच्चाई जो है वो नहीं हमको जान कभी भी पाए पता नहीं चलेगी। जी सही बात है। तो आपको क्या लगता है चैतन्य जी, आजकल जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये पत्थर फेंक रहे हैं, ये जो सब कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ये सब मौलानाओं के भड़काने से कर रहे हैं? इतने छोटे छोटे बच्चे हैं। देखिए होता क्या है, 5 टाइम की नमाज होती है, मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ते हैं, वहां जो मौलाना होते हैं वो नमाज से पहले कुछ अपनी तरफ से ज्ञान देते ही हैं, जी तो वो सही ज्ञान ना देते हुए देश को तोड़ने वाला, लोगों को बांटने वाला और ब्रेन वॉश करने वाला ज्ञान वो लोग वहां उनको देते हैं। उसका जी परिणाम हम ये देखते हैं कि जिस खुदा की आप इबादत करके जिस मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं, जी आपने अगर सच्चे मन से अगर कोई नमाज पढ़ी है और वहां आपने दुआएं की है, तो वहां एक बात और होती है
न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हम पूरी दुनिया के लिए दुआ करते हैं। जब आप पूरी दुनिया को महफूज रखने के लिए वहां से दुआ करके बाहर निकल रहे हैं और आपके हाथों में पत्थर है, पेट्रोल बम है, एसिड बम है, आप तोड़फोड़ कर रहे हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं, जो हिंदू दिख रहा है उस पर हमला कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये कौन सा खुदा है जो आपको ऐसी शिक्षा देता है? ये सब कौन सा मौलाना है जो आपको इस टाइप की शिक्षा दे रहा है कि आप मस्जिद से इबादत करके बाहर निकले और इस तरह से आतंक फैलाएं? ये आतंक, ये देशद्रोह की हरकतें हैं जो ये लोग करते हैं। सप्ताह में जो डेली 5 टाइम की नमाज होती है, ये कोई पढ़े ना पढ़े, लेकिन एक शुक्रवार जुम्मा जो ऐसा होता है जो नहीं पढ़ते हैं वो भी पढ़ने जाते हैं। ये बात अलग है कि आपने और हमने कभी जुम्मा भी नहीं पढ़ा जी। और वहां से वो लोग सप्ताह में एक बार उसकी इबादत करने जा रहे हैं, उसमें भी बाहर निकलते समय आप पत्थर हाथों में ले रहे हैं जी। पता नहीं सरकार की क्या मजबूरी है कि वो चुप है, या इसके पीछे कोई राजनीति है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो हरकतें सड़कों के ऊपर नजर आ रही है वो इंसानों की हरकतें नहीं है। ये इस टाइप से कोई जंगली जानवर जो राक्षस टाइप जो जंगलों में जो रहा करते थे उस टाइप के लोगों की हरकतें हैं, कबीलाई लोगों की हरकतें हैं। ये अभी भी कबीले से बाहर थोड़े बहुत कच्चे मकानों पीछे पक्के मकानों में आ गए होंगे, लेकिन उस सोच से, इस कबीलाई सोच से बाहर नहीं आ, उस सोच से बाहर आना पड़ेगा इनको, और उसके लिए शायद अभी और समय लगेगा, लेकिन जितना ज्यादा समय लगेगा उससे नुकसान हमारा राष्ट्र का ही हो रहा है, क्योंकि ये राष्ट्रद्रोही हरकतें करते हैं। राष्ट्र आज यहां पैदा हुए हैं, यहीं इसी मिट्टी में मिल जाएंगे, यहीं खा रहे हैं, यहीं कमा रहे हैं, लेकिन नारे जो है वो पाकिस्तान के पक्ष में लगाते हैं, वो कतर, वो सऊदी, ये सारे लोग इनको फंडिंग कर रहे हैं। यहाँ इंडिया के अंदर बैठ के राष्ट्रद्रोही हरकतें कर रहे हैं, अपने आप को बड़े बड़े लीडर बता रहे हैं। वो हैदराबाद वाला देख लो आप, रोज सवेरे उठते से ही शुरू हो जाता है जी, और जब तक सोता नहीं तब तक आग उगलता रहता है। क्या है, सर के ऊपर टोपी लगा रखी है, आप पूरी तरह से इस्लामी लिबास में हो, दाढ़ी रख रखी है, और उसके बाद में आप इस तरह से राष्ट्र के अंदर आतंक फैला रहे हैं। तो आप के जो हदीस में, जो कुरान में जो बातें लिखी हैं वतन परस्ती की, उन सबकी बातों का तो पालन आप खुद नहीं कर रहे जी। आप खुद ही पालन नहीं कर रहे हैं, आप अपने पीछे खड़ी जो भीड़ है उसको क्या पालन करवाएं, क्या शिक्षा देंगे आप, क्या सिखाएंगे उनको? जो सिखा सकते हो वो आप रोज मंच से खड़े होते हो उनको सिखा ही रहे, उग्र बना रहे हैं उनको, रोज नए नए उग्रवादी पैदा कर रहे हैं लोग जी। और दूसरों के बच्चों के चलता मैं मेरे बस में कुछ नहीं है, वरना मैं इस टाइप के जो लोग है ना उनको बहुत अलग टाइप से मेरे को सुधारना भी आता है। जो बुलडोजर वगैरह सरकार ने अब चलाना शुरू करे है ना, बहुत अच्छे है, मैं तो पक्ष में खबर बनाता हूँ इनके बुलडोजर के जी। ये आर्थिक रूप से, जब तक आर्थिक रूप से कमर नहीं तोड़ी जाएगी ना किसी की, तब तक वो हवा में उड़ता रहेगा और वो इसी टाइप की हरकतें करता रहेगा और खुद को ही खुदा समझ के और बस वो उल्टी सीधी हरकतें करता रहेगा। ये आर्थिक रूप से कमर तोड़ने वाली जो सरकार ने मुहिम शुरू करी की है ना, बहुत अच्छी है जी हाँ। और मैं, अगर मुझे मौका मिले ना, तो मैं इस बुलडोजर से भी बढ़ के कुछ करने के मूड में हूँ जी। ऐसा होता है ना चैतन्य भाई के, बहुत लोग दूसरों के बच्चों को इसमें डाल देते हैं, जैसे ये बड़े बड़े भाषण देते हैं, इनके अपने बच्चे नहीं पत्थर उठाते हैं, इनके दूसरे जो होते हैं ना जिनको भड़काते हैं ये छोटे छोटे बच्चों, खुद के बच्चों को क्यों नहीं भेजते हैं जिहाद में, जिहाद के नाम से जो निकल रही है लोग, तो खुद के बच्चे कहाँ है, उनके खुद के बच्चे तो अच्छे बड़े बड़े स्कूल में, बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, और ये दूसरों के बच्चों को भड़का के उनको जेल तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं, और मर भी जा रहे हैं या फिर मार खा रहे हैं जेल में जी।
मैं आपके माध्यम से ही देश के जो मुस्लिम है उनको बताना चाहूंगा, जी ये जो आपका नेता है ओवैसी, इसके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं जरा पता कीजिए। जी इसके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं ये पता करना चाहिए देश के मुसलमानों। ये जो आपको जो हरकतें करने के लिए बोल रहे हैं, जी इनके बच्चों को ये हायर एजुकेशन देते हैं और आपसे पत्थर फिटा कर आपको अपराधी बना रहे हैं, आपकी पीढ़ियां बर्बाद कर रहे हैं। अगर आज आप इनके कहने से पत्थर फेंक देते हैं तो घर ओवैसी का नहीं टूटता है, बुलडोजर आपके घर पर चढ़ रहा। ये चीज, ये बात आपको समझना पड़ेगी। ओवैसी के कहने से या ओवैसी जैसे जितने भी लोग जो मुस्लिमों को भड़का रहे हैं, राष्ट्र के खिलाफ अपनी राजनीतिक रुपया सेकने के चक्कर में जो मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं, ये मुसलमानों का सोचना होगा कि उनके कहने से आप जो हरकतें कर रहे हैं उससे अपराध आपके ऊपर मामले दर्ज हो रहे हैं, आप अपराधी बन रहे हैं, आप राष्ट्र के खिलाफ अगर करेंगे तो देशद्रोह की धाराएं भी आपके ऊपर लग सकती हैं, और अगर आपने ज्यादा नुकसान कर दिया, ज्यादा बड़ा अपराध कर दिया, तो आपके घर पर बुलडोजर भी फिर सकते हैं और फिर रहे हैं, गिर रहे हैं। सही बात। कितने ही लोगों के घर गिर चुके हैं और अभी ये सिलसिला जारी है। इसके बाद में भी अगर आप अपना सब कुछ बर्बाद करने के बाद में भी अगर इन लोगों का कहना मानना चाहते हैं, राष्ट्र के खिलाफ काम करना चाहते हैं, तो कीजिए। मेरा तो यही कहना है कि अगर आप सनातन नहीं अपना सके, हिंदू नहीं बन सके, तो एक अच्छे और सच्चे मुस्लिम बनने की कोशिश करें। मेरे जीवन में कुछ लोग हैं ऐसे जो मुस्लिम हैं लेकिन सच्चे राष्ट्रवादी, आप वैसा क्यों नहीं बन सकते? आप राष्ट्र के हित में काम क्यों नहीं कर सकते? आप जनहित में काम क्यों नहीं कर सकते? अगर राष्ट्र हित और जनहित में आप काम करेंगे तो यह पूरा देश आपका स्वागत करेगा। और अच्छा काम करने वालों का हमेशा हिंदू लोगों ने उसको बढ़ावा दिया है, और मैं मुस्लिम हूं लेकिन यहाँ स्थानीय स्तर पर जो मैं पत्रकारिता करता हूँ वो खोजी पत्रकारिता है। मैं ऐसी खबरें निकालने की कोशिश करता हूँ जो लोगों तक नहीं पहुंच पाई। कोई भ्रष्टाचार होकर छुप गया हो, दब गया हो, उसको बाहर निकालता हूँ। कोई जो भूमाफिया है उन्होंने किस तरह से शासकीय भूमि को अपना बनाया, मैं उस टाइप की काम करता हूँ। ये जनहित के काम है, राष्ट्रहित के काम है। मेरे इस काम को देखते हुए मैं तो अभी 20 दिन भी नहीं हुए मुझे हिंदू बने, इसके पहले जब मैं मुस्लिम था इसी जिले के सारे हिंदुओं ने मुझे हाथों पर उठा रखा। मेरा इतना सम्मान, मुझे इतनी इज्जत देते हैं जी, मैं बता नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो राष्ट्र को समर्पित व्यक्ति होते हैं, जिनकी सोच अच्छी होती है, वो जात पात नहीं देखते, वो सिर्फ कर्म देखते हैं। और मेरे कर्म को देखकर हिंदू लोगों ने हमेशा मेरा सम्मान किया। और जी, जब मैं जिला संपादक संघ का जिला अध्यक्ष बना मंदसौर का, मंदसौर जिला मुख्यालय से लेकर तहसील पैलेस, ग्रामीण क्षेत्रों में मेरे जगह जगह स्वागत हुए, जबकि पत्रकारिता में ये सब देखने को नहीं मिलता है। अध्यक्ष हमारे संगठनों में अगर बनते हैं तो कभी कोई रैलियां नहीं निकलती, मेरे लिए इस जिले में रैलियां निकली, स्वागत रैली। ये सब क्यों हुआ? मैं तो एक मुस्लिम था, फिर क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि उनको को मेरे कर्म पसंद जी। जब मैं उस पद पर बैठा तो जगह जगह मुझे बुलाकर मेरे स्वागत किए गए, मेरा सम्मान किया गया। और आज जब मैं पूरी तरह से जी चैतन्य जी, लेकिन आप रिस्पेक्ट भी तो करते हो ना हिंदुओं की, आप रिस्पेक्ट करते हो, आप उनके मंदिर का भी रिस्पेक्ट तो करते थे ना पहले से ही, ये भी एक बहुत बड़ी बात है जी। बिल्कुल, उनको उनको ये लगता था, वो मेरे अंदर एक मानव देखते हैं कि ये मानवतावादी व्यक्ति है और इसीलिए वो मेरा सम्मान करते हैं। उनका ये कहना है, ना तो मैंने कभी जात पात को बढ़ावा दिया और ना ही मैं इन दकियानुसी बातों में विश्वास करता हूँ, क्योंकि इससे सीधा सीधा नुकसान राष्ट्र का होता है और जहां भी राष्ट्र का नुकसान होगा मैं जीवन में कभी वो कोई काम नहीं करूंगा जी।
सही बात है जी। और एक और भी बात है कि हम कहते हैं, लेकिन हमारे सनातन लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उन लोगों से जो प्यार के काबिल तो हो, जो उनको रिस्पेक्ट करे, जो उनके धर्म की मजाक ना उड़ाए। मतलब हम देखते हैं कि मुसलमान लोग बहुत ज्यादा इस बात पे आजकल तो बहुत चर्चा हो रही है, बहुत कुछ दिख रहा है कि किस तरीके से ज्ञानव्यापी मंदिर का जो मुद्दा है, जो नुपुर जी का मुद्दा आया है, सब में इतना ज्यादा गंदा बोलते हैं हिंदू धर्म के, बहुत ज्यादा गंदा बोलते हैं। तो ये भी एक बात है जो आप में नहीं थी, इसीलिए आपको इतना प्यार, इतना सम्मान और इतना सबका वो मिला, साथ मिला। तो ये भी एक बात है ना, जब हम किसी को इज्जत देंगे तो हमें भी इज्जत मिलेगी बिल्कुल बिल्कुल। जी। मैं बताना चाहूंगा आपको कि अभी मैंने 27 मई को जब पूरी तरह से सनातन को अंगीकार किया, उसके जी बाद में जी जहां वो सारे संस्कार हुए, वहां जो मेरे मित्र हैं वो तो जी आए थे, वहां पर सांसद खुद मौजूद थे, जी विधायक खुद मौजूद थे, विधायक जी के पुत्र मौजूद थे, अः संघ से जुड़े हुए जो मेरे मित्र हैं वो भी वहां थे, एक हिंदू महासभा से जो जुड़े हुए मेरे मित्र हैं वो भी वहां पर थे, सभी जी लोग वहां पर थे। बहुत अच्छे से आयोजन हुआ। उसके बाद में जो स्वागत का सिलसिला जारी हुआ, मुझे घर बुलाकर घर में बैठा कर मेरा स्वागत करना, हाउ नाइस। मतलब परिवार तक स्वीकार्यता आपकी, कि आप जो थे हमने आपको स्वीकार कर रखा था, लेकिन आप हमारे हो चुके हैं पूरी तरह, तो अब आपकी स्वीकार्यता हमारे परिवार तक, जी वहां पूरा सम्मान सत्कार आदर सत्कार, मैं बता रहा हूं, बहुत मुश्किल से रोक पाता हूं उसको अपने आप को। जी ये सब देखकर बहुत मुश्किल होता है रोकना, क्योंकि भावुक हो जाते हैं उस समय, जी लेकिन हमको ये बात अच्छी लगती है कि हिंदू जो होते हैं उनके अंदर संस्कार बहुत होते हैं, संस्कार अच्छे होते हैं, संस्कारित बहुत होते हैं, शिक्षित होते हैं, समझदार होते हैं, क्योंकि आप शिक्षित हो जाएंगे तो वैसे ही समझदार हो जाएंगे। जी और जो सनातन के जो संस्कार है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते हैं, वो चीज होती है कि जब हम जैसे लोग उनके बीच में आते हैं तो वो बराबर हमको पूरा स्थान देते हैं और पूरी पूरी तरह से सम्मान भी करते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, जी जिला मुख्यालय मंदसौर से लेकर पूरे जिले में 120 किलोमीटर की मेरी स्वागत यात्रा निकालने की तैयारी चल रही है। जी ये मैं नहीं कर रहा हूं, जी जो लोग हैं वही सब लगे हुए हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, वो जिस दिन मुझे तारीख बता देंगे उस दिन मुझे उठ के सिर्फ वहां जाना है और कुछ नहीं करना। यहाँ जिला मुख्यालय से शुरू होगा स्वागत, तो पूरे जिले में वहां एक माता जी का मंदिर है, दुर्गाश्री माता जी, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, वहां पर मुख्य जी आयोजन होगा और समापन भी कार्यक्रम का होगा। ये सब क्या है, इसको देखना चाहिए, दूसरों को समझना चाहिए, और जो सत्य जी है सनातन है उसको समझने की कोशिश करना चाहिए। आप पैदा कहीं भी हुए हो, अगर आपकी आस्था है, आपके और हमारे जैसे बहुत सारे अभी लोग हैं पूजा जी जो जी आना चाहते हैं, जी और जी उनको हिम्मत नहीं मिल रही है। जैसे मैं 27 को आया और 15 दिन बाद ही रतलाम में अभी 55 लोग और आ गए। जी हाँ, मैंने देखा, सही बात है। घर वापसी की 15-55 लोगों ने जी तो जी। उनको हिम्मत नहीं मिल रही थी, उनको हिम्मत मिली, रतलाम हमारे पास में ही है, अच्छा तो उन लोगों को हिम्मत मिली है,
ये आज ये हमारे मंदसौर का व्यक्ति अगर आया है तो हम भी यहीं पास में ही रतलाम में रहते हैं, हम भी आ जाए। और वो जैसे मैं महामंडलेश्वर स्वामी चिदम्बरानंद सरस्वती के सानिध्य में मेरे सारे हुए, तो वहां पर भी जो कथा चल रही थी महाशिव पुराण, तो आनंद महाराज थे शायद वहां पर, आनंद गिरी महाराज, उनके सानिध्य में वो लोग सारे सनातन में आए हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो उनसे मेरा यही कहना है, घुटकर आप जीना बंद कर दो, खुलकर जियो, जो आपके मन के अंदर है उसको खुलकर करो। आप चुपके से जाके मंदिर पर दर्शन करके आ जाएंगे, आप चुपके से कहीं जाकर पूजा पाठ कर लेंगे, उसमें वो शांति नहीं मिलेगी, तो खुलकर करने मिलेगी। आप सही मंदिर पर दर्शन करने जाओ, आप सबके सामने जाओ तिलक लगाकर, पूरी तरह हिंदू की तरह जब आप मंदिर पर जाएंगे ना, आपको बहुत शांति मिलेगी। जब आप एक हिंदू बनकर, अपने आप को हिंदू मानकर जब पूजा पाठ करने बैठेंगे ना, तो सही मायने में आपको शांति तब मिलेगी। आप लोग भी आए, आपका स्वागत है, आपको पूरा देश सम्मान देगा, पूरा देश आपके साथ खड़ा, 100 करोड़ लोग आपके साथ खड़े, आप हिम्मत देखा। सही बात है, आपने सही कहा कि जिसको दिल से अगर अगर अपनाना है तो डरने की भी जरूरत नहीं है, पहली बात तो। और दूसरी बात कि हिंदू आपको बहुत ही प्यार से, बहुत ही रिस्पेक्ट से आपको अपनाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। सही बात है। तो आखिर में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी चैतन्य जी कि आपके होती है। जी जी बोलिए। आपकी आरती उतारी जाती है, मतलब आरती उतारना एक सम्मान का एक चरम लेवल होता है, चरम सीमा है सम्मान की। मतलब एक सम्मान की आपको माला पहनाई, एक सम्मान की आपको श्रीफल दिया, एक सम्मान की आपको शाल पहनाई, एक सम्मान वो होता है कि आपकी आरती उतारी, मतलब एक चरम सीमा है वो। जी सही बात। उस हद तक आपको अपना जाएगा, आप थोड़ी हिम्मत दिखाएं, मेरा तो यही कहना। और जो भी लोग आना चाहते हैं उनका स्वागत है, सबसे प्रमाणिक धर्म है और इस धर्म को पूरी तरह से मानना चाहिए, मेरा यही कहना। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा, मतलब मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप मेरे चैनल पे आए, बहुत बहुत आपका आभार, आपने इतनी अच्छी बातें की और मुझे लगता है कि आप इतने हिम्मत वाले हुए तभी आज आपको इतनी शांति भी मिली है और आप सनातन धर्म में बहुत खुश हैं और भगवान शिव आपको हमेशा खुश रखे, आपकी पत्नी को, आपको बहुत 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 आप लोगों का आभार। और आप निडर थे इसलिए आप आ भी सके, तो जो लोग डर रहे हैं वो इनका इनका उदाहरण लेके आप लोग बिल्कुल मत डरिए, जिनको आना है हिचकिचाइए मत, कुछ नहीं होता है अगर हिम्मत करोगे तो और सनातन में आओगे तो। जी देश देश के अंदर, अपने देश के अंदर एक स्वतंत्र राष्ट्र है और यहाँ पर खुद का एक संविधान है। आज आपने और मैंने जो कुछ किया है जी, वो एक उस संविधान के तहत किया है जी। हमने कोई गैरकानूनी काम या कोई अपराध नहीं किया, उसके लिए सरकार पूरी तरह, शासन प्रशासन सब हमारे साथ है, इसलिए डरने की कोई बात ही नहीं, बात ही नहीं। और मैं तो आपको साधुवाद देना चाहूंगा कि मैं तो चलो अभी आया हूं 2022 में जी, लेकिन आप जिस समय आई है ना, मैं बता नहीं सकता कि एक महिला हो क्या आपने इतनी हिम्मत दिखा कैसे थी। बहुत सारे हैं मेरी तरह और भी हैं बहुत सारे जो जो सनातन हो गए, बहुत सारे हैं, तो उन सबका भी मतलब जिसने हिम्मत की उसने शांति पाई, बस वही है और कुछ नहीं। क्योंकि हम अगर बैठे रहते और ये सोचते कि हम डर जाते तो फिर हम जिंदगी भर ऐसे ही रहते, फिर तो कहीं पर हिम्मत की बहुत जरूरत होती है और सही इंसान से मिलने की और सही मार्ग। आपने एक जैसे आप हैं या वो एक इरम सेफी जो आपके इसमें देखा है मैंने, इरम सेफी, हाँ जी हाँ जी। तो एक लड़की होकर
वो हिम्मत दिखाना कि सब कुछ छोड़ने को तैयार, जबकि सामने अपन को पता है कितनी बड़ी रिस्क, जी ये आपको वहां हाँ एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं। जी अगर नहीं किया गया एक्सेप्ट, तो फिर आप ना उधर जाने के हैं ना इधर आने के, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या आप सेल्फ डिफेंड हो पाएंगे? क्या आप खुद का कोई काम ऐसा कर पाएंगे? क्या आप खुद नौकरी कर पाएंगे? अपना जीवन खुद चला पाएंगे? बहुत सारी बातें होती हैं, और एक महिला होकर ये सब करना, मैं तो कह रहा हूं बारंबार साधुवाद है। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आप जैसी जितनी भी है वो सब एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और उनको जी देखते हुए जो पुरुष है मुस्लिम, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इन इन लोगों को देखिए, इन्होंने जब इतनी हिम्मत दिखाई तो आप मर्द होकर क्यों नहीं दिखा सकते? आना चाहिए, जी स्वागत है आपका। जी हाँ, और ये भी है कि बहुत अच्छे से बहुत प्यार मिलता है, बहुत इज्जत मिलती है सभी को। तो मुझे लगता है कि महिला हो या पुरुष हो, जिसको भी आना है उसको देर नहीं करनी चाहिए, और थोड़ा सा बहुत ज्यादा दिल को मजबूत करके निकल जाएं। एक बार आप वो प्राप्त कर लोगे, सनातन धर्म में आ जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या 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 सीखा, और आप अब इस एक अलग ही दुनिया है, एक अलग ही शांति है, उसमें आपको वही शांति मिलेगी। तो मैं यही समझती हूँ। बहुत बहुत आभार यहाँ आपका। शांति है, जी, कहिए। यहाँ पर शांति है, संस्कार है, सभ्यता जी है, मानवता है, और धर्म जी जो है वो प्रमाणिक है। यहाँ गलत कुछ भी नहीं, सब कुछ अच्छा है। जी और मैं बता जी रहा हूं ना, मुझे क्योंकि मैं पहले से सब कुछ मानता था, इसलिए जी मुझे ये नाम ही कुछ नया लग रहा है, बाकी मुझे उस नया और कुछ नहीं लगा, मुझे सब कुछ वैसा का वैसे लग रहा। हाँ, आपका सिर्फ नाम बदला है बस, आप तो अंदर से पहले से ही बस सनातनी थे बस। पहले से ही हाँ था। जी, सही बात है। तो चलो, आपको बहुत बहुत सनातन बहुत मुबारक, आपको भगवान बहुत बहुत खुशी दे। और वैसे भी आप मुझे लगता है धन्यवाद, पहले से ही बहुत खुशी हैं, और ज्यादा खुश रहे हैं। बहुत बहुत आभार आपका आने का टीवी में, मेरे शो में। थैंक यू सो मच, बहुत आभार। नमस्ते बहुत जी, बहुत धन्यवाद। जय सियाराम। जय श्री राम।